जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी दोस्त लूसी कबूतरी के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती थी। टुनटुनी और लूसी के माता पिता का कोई भी अता पता नहीं था। वो बचपन से ही अनाथ थे और तब से ही एक दूसरे के साथ रहती थी। लूसी, आज का मौसम देख रही हो ना, कितना अच्छा है ना। मेरा तो मन कर रहा है कि आज कुछ अच्छा खाऊं। क्यों, तुम्हारा नहीं कर रहा है क्या? हाँ टुनटुनी, मन तो मेरा भी आज कुछ अच्छा खाने का कर रहा है। आज का मौसम भी तो बहुत ही अच्छा है। लूसी, मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। ठीक है, पर तब तक मैं इस मौसम के मजे लेती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अंदर घर में कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद वो कुछ बनाकर ले आती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। तभी उन्हें घर के बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे टुनटुनी, ये हमारे घर के बाहर कोई आवाज़ लगा रहा है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ बहन, चलो चलकर देखते हैं। वो अपने घर से बाहर निकलकर देखती है तो कुछ कौए के बच्चे घर के बाहर बैठे हुए थे और आवाज लगा रहे थे। तभी टुनटुनी उनसे पूछती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2 × 2 + 100 कितने होते हैं? अरे तुम सभी ऐसे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे। चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लग रही है। अगर हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिड़िया दीदी, हमारी मदद करो। टुनटुनी, क्यों ना हम अपना खाना इन सभी भूखे कौवे को दे दें, इनका पेट तो भर जाएगा और हम तो अपने लिए कहीं ना कहीं से ले ही आएंगे खाने के लिए। हाँ लूसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ऐसा कहकर टुनटुनी और लूसी सारा खाना उन कौवे के बच्चों को दे देती है और वो कौवे इनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से खाना लेकर उड़ जाते हैं। अच्छा हुआ खाने का इंतजाम हो गया, वरना वो बिल्लू बिल्ला तो हम सभी को जिंदा मार देता काम करवा करवा कर। अच्छा हुआ उन भली चिड़िया और कबूतरी ने हमें अपना खाना दे दिया, अब ये जाकर हम उस दुष्ट बिल्लू बिल्ला को दे देंगे। ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला के पास जाते हैं और उसे खाने के लिए वो खाना दे देते हैं। बिल्लू बिल्ला उन सभी कौवे से कहता है, जाओ अब तुम कुछ समय के लिए आजाद हो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कौवे ये बात सुनकर चले जाते हैं और अपनी जान बचने की वजह से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद बिल्लू बिल्ला के खेतों में एक तोता आता है। बिल्लू बिल्ला उसे पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मेरा नाम बिल्लू है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा जंगल है? अरे बिल्लू भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने आपके खेत से कुछ भी नहीं लिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं लिया है। हम तो यहाँ से होते हुए शहर की ओर जा रहे थे, अब इस जंगल में कुछ नहीं है तो इसलिए शहर जा रहे थे। अच्छा, शहर जा रहे थे, जाने से पहले मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम बिल्लू भैया? मेरे लिए पहले बहुत सारा खाना लेकर आओगे, उसके बाद जहाँ भी जाना है चले जाना। बिल्लू भैया, भूख आपको लगी है तो खाना भी आप ही को लाना होगा, मैं आपके लिए खाना क्यों ला कर दूँ? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। बिल्लू भाई, मुझे काम से शहर जाना है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे खाना ला कर नहीं दोगे तो तुमको मैं यहीं खत्म कर दूंगा। तोता बहुत डर जाता है और बिल्लू बिल्ला के लिए खाना लाने के लिए हाँ कर देता है, पर बिल्लू उनसे कहता है, जानी तुम अकेले जाओ और जब तक तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आते हो तुम्हारा ये दोस्त मेरे पास रहेगा। जैसे ही तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगे तुम दोनों शहर के लिए जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऐसा कहकर तोते का दोस्त बिल्लू बिल्ला के पास ही रुक जाता है और दूसरा तोता जंगल की तरफ बिल्लू बिल्ला के लिए कुछ खाने का जुगाड़ करने लगता है। वो तोता बहुत देर तक बिल्लू बिल्ला के लिए खाना तलाश करने लगता है पर उसे कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाता है। रात हो जाती है, वो बहुत निराश हो जाता है और वो वापस से बिल्लू बिल्ला के पास आता है। बिल्लू भाई, मैंने बहुत जगह पर खाना ढूंढा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर मैं क्या करूं बिल्लू भाई? जानी तुम कुछ मत करो, अब जो करूंगा मैं करूंगा तुम्हें खाकर।
हम पर दया करो भैया। हाँ मुझे कल का और समय दे दो, मैं आपके लिए जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, कल, अगर कल शाम तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा और जरा सा भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर दोनों दोस्त बड़े ही डर जाते हैं और वो तुरंत ही खाने के लिए निकल जाता है। वो बहुत देर तक खाना ढूंढता है पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता है। वो रास्ते से रोता हुआ जा रहा होता है कि टुनटुनी की नज़र उस तोते पर पड़ जाती है। अरे तोता भैया, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। चिड़िया बहन, अब मैं क्या बताऊं? कल से खाने की तलाश कर रहा हूं, कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं और मेरा दोस्त मारे जाएंगे। वो बिल्लू बिल्ला हम दोनों को खा जाएगा। कौन सा बिल्लू बिल्ला तोता भैया, और वो तुम्हें क्यों मारेगा? दरअसल चिड़िया बहन, मैं अपने दोस्त के साथ शहर में काम से जा रहा था। हम दोनों बिल्लू बिल्ला के खेत से होते हुए जा रहे थे तो उस बिल्लू बिल्ला ने हम दोनों को पकड़ लिया और अब मारने की धमकी दे रहा है। भैया फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पर चिड़िया बहन, तुम क्या करोगी? तुम्हें बता दूंगी। अभी भागकर जल्दी से बिल्लू बिल्ला के पास जाओ और उससे कहना कि जंगल में कुत्ता आ गया है और वो किसी अच्छे और बड़े शिकार की तलाश में है। ऐसा समझाकर वो उसे बिल्लू बिल्ला के पास भेज देती है और वो तोता भी वही करता है जैसा कि टुनटुनी चिड़िया ने उसे कहने के लिए कहा था। टुनटुनी चिड़िया भी भागकर अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है और वो दोनों मिलकर जंगल के सभी पक्षी को ये बात समझा देते हैं। भागकर बिल्लू बिल्ला के पास जाना है और उससे कहना है कि जंगल में कुत्ता आ गया है। और सभी पक्षी यही करते हैं, वो भागकर बिल्लू बिल्ला के पास जाते हैं। बिल्लू बिल्ला भैया, खूंखार कुत्ता आपको ही ढूंढ रहा है। आपसे बड़ा और अच्छा मोटा बिल्ला कहीं नहीं मिल सकता। लगता है वो कुत्ता सच में किसी बड़े और अच्छे शिकार की तलाश में आया है। मुझे लगता है कि कहीं वो सबसे पहले मुझे ना खा ले। ये सुनकर ही बिल्लू बिल्ला जंगल से 9 to 11 हो जाता है और फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखता है। और सभी पक्षी भी टुनटुनी की समझदारी को सलाम करते हैं। बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ रहा था तभी वहाँ एक गरीब कौआ आया। मुझे भूख लगी है कबूतर भाई, कुछ खाने को दे दो। बंटी ने उसे देखा तो तरस खा कर एक भुट्टा उसे तोड़कर दे दिया। भुट्टा खाने के बाद गरीब कौआ बहुत खुश हुआ। वाह, तुम्हारे खेत के भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ईश्वर करे तुम्हारे खेत में सोने के भुट्टे हो। इतना कहकर वो गरीब कौआ उड़ गया। बंटी को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, भला सोने के भुट्टे भी किसी के खेत में हो गए हैं आज तक? अरे इसकी जगह पर अच्छी खेती का आशीर्वाद देता तो कुछ बात भी थी। अगले दिन जब बंटी भुट्टे तोड़ने पहुंचा तो खेत में दूर से ही सोने की तरह चमकता एक भुट्टा दिखाई दिया। बंटी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस भुट्टे के सभी दाने सोने की तरह ठोस थे और चमक रहे थे। बंटी वो भुट्टा लेकर जौहरी तोताराम के पास गया। जौहरी तोताराम जी, आपको तो सोने की बहुत पहचान है। और नहीं तो क्या, मैं खालिस सोने को सूंघकर पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपना भुट्टा दिखाया। अच्छा, जरा चेक करके बताइएगा कि क्या ये शुद्ध सोने का है या नहीं। तोता राम ने भली प्रकार उस भुट्टे का परीक्षण किया। अरे बंटी, ये तो खरे सोने के दानों से बना भुट्टा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या, तुम ये बताओ कि इस भुट्टे की क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो भुट्टा तोताराम को बेच दिया। इसके बाद प्रतिदिन बंटी के एक सोने का भुट्टा मिलने लगा। बंटी बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना ही ज्यादा पैसा बढ़ता गया उतना ही वो कंजूस और लालची होता गया। उसने भुट्टे का एक और बड़ा खेत खरीद लिया और कुछ मजदूर भी रख लिए। वो मजदूरों को खेत में देर से बुलाता था और मजदूरों से पहले ही खेत में पहुंचकर वो सोने का भुट्टा तोड़ लेता था। एक दिन वो तोताराम के पास भुट्टा बेचने गया तो तोताराम से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। अरे बंटी, ये तो बताओ कि रोज रोज तुम इतने शुद्ध सोने के दानों से भरा भुट्टा लाते कहाँ से हो? मेरे खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं, वहीं से लाता हूँ।
अरे भला ऐसा भी होता है कभी कि खेतों में सोने के भुट्टे? ए झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो, आगे से मैं अपने सोने के भुट्टे शहर में बेचूंगा। ये कह कर बंटी कबूतर अपना भुट्टा लेकर चला गया। बंटी कबूतर दिन पर दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। वो अब किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। पर तोता राम भी कम नहीं था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और उसे सुनहरा भुट्टा तोड़ते हुए देख लिया। अगले दिन होने से पहले ही वो बंटी के खेत में पहुँच कर सुनहरा भुट्टा तोड़ लाया। जब बंटी को पता चला कि उसका सुनहरा भुट्टा चोरी हो गया है तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का ही किया धरा है। मेरा सुनहरा भुट्टा किसने चुराया है? मालिक, कौन सा सुनहरा भुट्टा? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबह का पहला भुट्टा तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं। हम सब तो देर से काम पर आते हैं। अरे झूठ मत बोल, जरूर तुम लोगों को मेरे सुनहरे भुट्टे का भेद पता चल गया है और तुम लोगों ने ही मेरा भुट्टा चुराया है। आज के बाद तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए मालिक, हमने आपके भुट्टे नहीं चुराए। हम तो ईमानदारी की कमाई खाने वाले सीधे साधे पक्षी हैं। अगर आपने हमें नौकरी से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे बच्चे पालने का ठेका लिया है? आज के बाद तुम सब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बंटी कबूतर के खेत में काम करने वाले सभी मजदूर पक्षी और चिड़िया रोते रोते चले गए। बंटी अब अपने खेत का काम स्वयं देखने लगा। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों की निगरानी ही किया करता था। ना दिन में चैन से रह पाता था, ना रात में चैन से सो पाता। सोने के भुट्टों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो पागलों की तरह दिन रात अपने खेत में ही चक्कर लगाया करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी चिड़िया वहाँ आई। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे परेशान मत कर। कैसी बात करते हो, इतना बड़ा भुट्टे का खेत है, इसमें से भुट्टा ही तोड़ कर दे दो, एक भुट्टे से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। अरे क्यों दे दूं? ये भुट्टे मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में अपने भुट्टे दे दूं? मैं तो तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी ना खाने दूं। चल भाग यहाँ से। जिस प्रकार तुम मुझे अपने खेत की मिट्टी तक नहीं देना चाहते, भगवान करे खेत मिट्टी ही उगले। इतना कह कर वो अजनबी चिड़िया वहाँ से उड़ गयी। बेवकूफ कहीं की, भला खेत भी मिट्टी उगलता है क्या? बंटी ये भूल गया कि खेत तो सोने के भुट्टे भी नहीं देते, पर पिछली बार एक अजनबी के आशीर्वाद से उसके खेत ने सोने के भुट्टे दिए थे। अगली सुबह जब बंटी अपने खेत में पहुंचा तो उसका पूरा खेत खाली पड़ा था। उसके खेत के सारे भुट्टे गायब हो गए थे। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अचानक उसका भरा खेत खाली कैसे हो गया? वहाँ किसी प्रकार के पेड़ या पौधों का नामो निशान नहीं था, मानो कभी कुछ बोया ही नहीं गया हो। बंटी कबूतर समझ गया कि उस अजनबी चिड़िया का ही श्राप लगा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए।